हे गाइस, सभी को वेरी गुड मॉर्निंग। तो गाइस, आज का लोगों मैंने अभी स्टार्ट किया है, अभी फिलहाल वीडियो एडिट भी किया, तो अभी चलते हैं। अभी नल लगानी है यहाँ पर, तो एक बार नल लगाते हैं। तो गाइस, फिलहाल मोटर नली ये पड़ी है, तो इसको बाहर लगाते हैं और घर की तरफ फांदते हैं। सफर कर रहा है? अच्छा, बाहर है। तो गाइस, अब फिलहाल मैं तो आ चुका हूँ हमारे बड़े अप्पा के नए घर में, जो कि ये रहा। ये तो पहले बताया मैंने, ये मेन गेट है, ये रूम है। तो फिलहाल मैं तो नल लगाने वाला था, पर नली टूटी इसे नहीं लगी, तो इसीलिए ये नली वापस यहाँ पर लगा दी। तो कोई बात नहीं, तो आपको किचन बताना। ये रहा किचन। तो ये रहा किचन, जो कि काफी बड़ा पूरा सराउंड है। तो गाइस, अब फिलहाल मेरे पानी भरा चुका है, तो अभी मैं आया हूँ खेत की तरफ। मतलब खेत में नहीं जा रहा हूँ, यहीं पर हूँ। जो कि भाई नज़ारा देखो आज, तो ये देखो पूरी गिली गिली मिट्टी है, पूरी हरियाली कर दी चारों तरफ भाई साहब। बादल है पर थोड़े से कम है, बादल काले काले नहीं है, वाइट वाइट है। तो अगर बनी रही यहाँ पर तो सब्जी। आज सब्जी कितनी बनी है? ग्वार फली। तेज बोलेंगे आटा ऊंधो गूंजे। तो गाइस, अब फिलहाल मैं तो आ चुका हूँ बाहर, क्योंकि काफी अच्छा नजारा बन रहा है अभी तो। और अभी थोड़ी थोड़ी ठंडी ठंडी हवा भी चल रही है, तो वीडियो कैसे बनाऊं यार। देखो, हमारा टोनी यहाँ पर सोया हुआ बस मस्ती से, इसको कोई काम नहीं है, सो जाएगा बस। One touch and we're igniting, setting fire to it all. तो गाइस, अब फिलहाल तो खाना खा लिया है, तो अभी चलते हैं टिफिन देने के लिए मम्मी को, जो कि आज मैं जा रहा हूँ, मैं और पूनम दोनों। you know, these flames ain't going out, this building is crumbling to the ground. Don't think that we can stop it now, 'cause baby our love is gonna burn. अब फिलहाल मैं तो आ चुका हूँ घर पे। पूनम और हम दोनों गए थे टिफिन लेने के लिए, तो आज तो टिफिन लेना थोड़ा सा दूर जाना था, तो अभी जाके आ चुके। तो गायों को पानी पिलाने के लिए मैं चलता हूँ थोड़ी देर बाद खेत में, और फिलहाल घर पे काम करता हूँ फिर खेत। तो गाइस, अब फिलहाल मैं तो आया हूँ खेत में, और आज तो गर्मी बिल्कुल कम लग रही है, क्योंकि आज तो हवा चल रही है काफी ठंडी ठंडी, तो चारों अभी बादल हैं। तो गाइस, अभी जो जो मेरे नए नए व्यूअर्स आ रहे हैं, उनके लिए बोलना चाहता हूँ कि वो जरूर मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर वीडियो अच्छा लगे तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरे वीडियो को लाइक करें। और जो भी नए नए व्यूअर्स मैं देख रहा हूँ, मैं यूट्यूब एनालिटिक्स में नए नए व्यूअर्स आ रहे हैं, दो तीन, तो नए नए आ रहे हैं वो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करते रहें। तो गाइस, फिलहाल मैं तो आया नीचे, और आज ज्योति भी आ चुकी है, काफ़ी दिनों बाद आई है वापस। भाई ये कितने दिन से आई वापस? चार दिन। अच्छा, और फिलहाल चार तो पासा से बात कर रहे हैं, अरे सब बैठे हुए हैं। तो गाड़ी चलता हूँ ऊपर। तो भाई, अभी नीचे तो थोड़ा बहुत काम कर लिया है, तो अभी घड़ी बज रही है 2, तो एक बार आज का मौसम बारिश बताता हूँ, बारिश होगी या नहीं। और भाई ये क्या, भाई देखो भाई वापिस बादल आ गए, पहले इधर इस तरफ है अभी इस तरफ। ओ भाई साहब, तो कल से भी खतरनाक मौसम है आज का, देखते हैं बारिश होगी। पुनः बारिश होगी? हाँ होगी, हाँ पूनम की भविष्यवाणी सच होती है। तो भाई, अब फिलहाल मैं उठाऊँ जस्ट सो के, तो भाई आज का मौसम भाई आने जगह गाड़ू नाक दी हूँ। तो भाई, अभी फिलहाल इतना कुछ आज कर लो थोड़ा, जो कि काफ़ी ज़्यादा मेहनत लगती है इसमें। तो भाई पूरा थक गया, अब मैं बताता हूँ मेरा हाथ में कितने छाले पड़ गए। तो एक बार ऊपर चलता हूँ, और आज तो मेरा हाथ भी काफ़ी दूज रहा है। तो भाई, अभी बारिश का मौसम फिर से हो चुका है, सूरज तो दिखाई दे रहा है, परंतु इस तरह भाई आज बहुत भारी वर्षा है, लगता है आज इस तरह बाढ़ आएगी।
बाहर तो नहीं आ सकती, बारिश जरूर तेज होगी। तो कहिए देखो, 1, 2, 3, 4 ये चारों कोनों में चार छाले हो चुके हैं, जो कि भाई कलर फोड़ने की वजह से है, क्योंकि कलर फोड़ना पड़ता है उसमें काफ़ी ज़्यादा मेहनत लगती है, तो उसमें हाथ के पूरे छाले हो गए। अब छाले दर्द करेंगे जोरदार भाई। अभी तक 1000 सब्सक्राइब कम्प्लीट ही नहीं हुए, अभी तक हाल तक अभी 100 भी नहीं हुआ, अभी तक 100 होंगे, फिर 500, फिर 1000 भाई साहब। और भाई नए नए लोग हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि बहुत आगे जाना है हमको, यही नहीं रहना है। अभी तो सिर्फ 79 सब्सक्राइब हुए हैं, तो काफ़ी कम है, ये तो बहुत कम है, अभी तो काफ़ी आगे जाना है। जो भी नए नए व्यूवर्स आ रहे हैं उनके लिए थे ही, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। वैसे हमारी पूरी फैमिली एक बनानी बड़ी वाली, जो कि 1 लाख तक होनी चाहिए, इतनी बड़ी। तो गाइस अभी आपने एक बात नोटिस की होगी या नहीं की होगी, पर मैं बता देता हूँ, क्योंकि 1 सप्ताह हो गया अभी तक दीपक मेरे ब्लॉग में नहीं आया, क्योंकि दीपक तो गया ननिहाल, पर वो वापस आ गया। अभी 4 दिन आ गया घर पे, पर वो मेरे वीडियो में इसलिए नहीं आता क्योंकि हमारे बीच दोनों की लड़ाई हो चुकी है, जबकि वो भर को और कुछ बोलता है, इसलिए मैंने मना कर दिया मेरे वीडियो में आना ही नहीं। वो कि मैं भी नहीं आऊँगा तो ठीक है, इसीलिए वो मेरे बिल्कुल वीडियो में नहीं आता, मैं उससे बोलता तक नहीं। तो अभी तो मैं खेत में, क्योंकि आप सभी को हमारा मौसम दिखाने के लिए, तो भाई अभी फिलहाल सूर्यास्त तो हो चुके हैं भाई, एक बादल दिखाता हूँ आपको जूम करके। तो भाई ये बादल देखो भाई, कितना ओपी लग रहा है, एकदम मस्त। और नीचे की तरफ सूर्यास्त तो हुआ अभी भाई, इस तरह वाले बादल एकदम मस्त है यार। और कहीं तो भाई अभी फिलहाल तो 7:30 बज चुकी है, और अभी हम बनाएंगे खिचड़ी, देखते हैं आज पूनम बनाती है तो क्या मस्त। आज तो मौसम सब अलग अलग, इस तरफ अलग, ये वाला अलग, और पीछे वाला और अलग, वो वाला और अलग भाई, 5-5 ब्यूटीफुल नज़ारे देखने को मिल रहे हैं अभी तो। अभी मैं घर पे बैठा हूँ, और अभी हमारे एक पार्सल आया है, तो देखते हैं पार्सल में क्या है। हमको तो वैसे पता है, आपको नहीं पता है, इसलिए हम बताते हैं। अभी आता है, उसके बाद अनबॉक्सिंग करते हैं। ओहो, तो गाइस आज का थंबनेल काफी ज्यादा अमेजिंग होने वाला है, क्योंकि मुझे पूरा आधा घंटा लगा, आधे से एक घंटा एक थंबनेल को बनाने के लिए। क्योंकि भाई आज का थंबनेल आपको कैसा लगा है हमको कमेंट में जरूर बताना। तो भाई अभी फिलहाल मच्छर बहुत है, इसलिए लाइट लगाई, मच्छर आ रहा है भाई। तो अभी फिलहाल पूनम तो बैठी है, तो भाई अब फिलहाल वीडियो एडिटिंग कम्प्लीट कर ली है। तो आई होप गाइस आपको पसंद आया होगा, पसंद आया तो वीडियो को लाइक करना, नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना। तो जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय। Yeah.